सब्सक्राइब करें किचन विद रियाना को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, किचन विद रियाना में आपका सवाल है। आज हम आपको चने की दाल की नमकीन बनाना बताते हैं, जिसके लिए हमने 250 ग्राम चने की दाल ली है। ये देखिए, इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है और इसको हम धो लेंगे खूब अच्छे तरीके से, दो तीन पानी निकाल लेंगे। ये देखिए, हमने इसको अच्छे से धो लिया है और इसमें देखिए हमने डबल पानी डाला है इसको, क्योंकि हमें इसको 3 से 4 घंटे भिगाना है। हमने 2 पिंच करीब हमने इसमें डाली है सोडा और इसको हम ढक के 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। ये देखिए, हमारे 2 घंटे हो चुके हैं और ये चने की दाल फूल कर देखिए कितनी डबल हो गई है, कैसे अच्छे से फूल गई है। इसको पानी से बाहर निकाल लेते हैं। सारी दाल को आप पानी से बाहर निकाल कर किसी कपड़े पर फैला लें ताकि इसका सारा पानी खुशक हो जाए। ये देखें, इस तरह से ये दाल कितनी अच्छी से खुशक हो चुकी है। इसको चाहें तो आप धूप में भी रख के सुखा सकते हैं, सुखा कर स्टोर भी कर सकते हैं इसको आप। और ये देखिए, हमने पहले ही तेल गर्म करने के लिए रख दिया था और इसको हम आपको 2 तरीके से फ्राई करना बताएंगे। ये देखिए, एक तो ये हम चलनी के अंदर फ्राई कर रहे हैं जिसमें बहुत कम क्वांटिटी में ये होता है और इतनी अच्छी फ्राई भी नहीं होती है। दूसरे डायरेक्ट तेल में कर रहे हैं इसको। ये देखें, ये जैसे फ्राई होती जाएगी वैसी फूल कर ये ऊपर आती जाएगी। ये देखें कितने अच्छे से ये फूल कर आने लगी है और अब ये दाल तैयार हो चुकी है। इसको हल्के से ऐसे चलाने के बाद ये देखिए सारी दाल ऊपर आ गई। इसको अब हम निकाल लेते हैं। इस तरह से आप दाल को फ्राई करें और इसकी एक नमकीन आप बनाकर तैयार कर सकते हैं, घर में रख सकते हैं। एक बार इस तरह से इसको आप ज़रूर बनाएं। और इसमें हम डाल रहे हैं होममेड चाट मसाला, जो हमारी चैनल पर पहले से ही अपलोड है। इसकी रेसिपी आप देख सकते हैं। और 1/2 टीस्पून से भी कम डाल रहे हैं हम रेड चिल्ली पाउडर और 1/2 टीस्पून से कम डाल रहे हैं हम इसमें काला नमक, क्योंकि हमारे चाट मसाले में तीखा कम है। देखिए, और आप चाहें तो इसमें खाली खटाई और नमक मिर्च से भी आप इसको बना सकते हैं। इसको बनाकर आप रख लीजिए मेहमानों के आगे, जब चाहें जब इसको आप रख सकते हैं। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल किचन विद रियाना का सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब खैर।